जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम में परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अपन 18वीं शक्ति उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति तक आ गए थे। अब आज परिणाम शक्ति की चर्चा करनी है। द्रव्य के स्वभावभूत उत्पाद व ध्रुव से आलंगित सदृश और विसदृश एक रूप वाली अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति है। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व के द्रव्य के स्वभाव हैं। इनमें ध्रुवत्व भाव सदृश परिणाम है, सदा एक सा रहने वाला परिणाम है, और उत्पाद व्यय विसदृश परिणाम है, क्योंकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक का स्वभाव उत्पन्न होने रूप है और दूसरे का स्वभाव नाश होने रूप है। इस कारण वे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विसदृश स्वभाव वाले हैं। उत्पाद व्यय विसदृश ध्रुव विसदृश स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं, क्योंकि अस्तित्व तीनों का एक रूप ही है। तीनों का नाम ही परिणाम है। परिणाम शक्ति में क्या कहते हैं, उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व और परिणाम शक्ति में बहुत बारीक भेद है, जो ऊपर से समझ में नहीं आता है। और दोनों भाषाओं का जो प्रयोग किया गया है उसको भी उत्पाद व्यय ध्रुवमयी बताया है, और इसको भी उत्पाद व्यय ध्रुवमयी बताया है। क्योंकि दोनों ही उत्पाद व्यय ध्रुवमयी हैं, तो फिर इसमें अलग से शक्ति रखने की जरूरत क्या है। तो वो कहते हैं ये जो अस्तित्व है वो उत्पाद व ध्रुव से ये तीनों के मिक्सचर का नाम है। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण, यानी उत्पाद सत व्यय सत और ध्रुव सत ऐसा नहीं है, बल्कि जो सत है वो उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व ध्रुव इन तीनों सहित है, माने अस्तित्व तो एक ही है, माने तीन अस्तित्व नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तीन अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो उत्पन्न होना और नष्ट होना ये विसदृश हैं, ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। और ध्रुव है वो सदृश स्वभाव वाला है। ध्रुव सदृश स्वभाव वाला है माने क्या, ध्रुव एक ही है तो विसदृश किससे होगा, और उत्पाद वे दोनों हैं तो एक उत्पन्न होने रूप और एक नाश होने रूप, तो ये विसदृश स्वभाव वाले हैं। और फिर तीनों का मिलकर एक अस्तित्व है, तो एक अस्तित्व में ये विसदृश स्वभाव वाले और सदृश स्वभाव वाले ये सब मिलके कैसे हो सकते हैं, इनका एक साथ रहना संभव नहीं है, ऐसा प्रश्न किसी के चित्त में खड़ा हो तो उसके लिए कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है कि जिसका काम ये है कि वो सदृश और विसदृश दोनों चीज़ें एक साथ रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शक्ति का काम ही ये है कि वो उन दोनों को एक साथ रख लेगा, है ना। इस शक्ति का काम ही ये है कि वो दोनों को एक साथ रख लेगा, इतना सा काम है इसका, और उसका नाम है परिणाम शक्ति है? इसको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से बारीकी में जाकर के, तो गुरुदेव के कोटेशन से और भी आचार्यों की बात से आपको इस बात में संतोष होगा कि हाँ ये बात इसमें है।
ऊपर से देख में परिणाम शक्ति में भी परिणमन है। अब कुछ लोग परिणाम शब्द का अर्थ परिणमन समझते हैं, परिणाम शब्द भाव शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। द्रव्य को भी भाव कहते हैं, पर गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं। द्रव्य भी परिणाम है, जो बदले उसी का नाम परिणाम नहीं है, जो नहीं बदले वो भी परिणाम है, ध्रुव भी परिणाम है। अकेला परिणमन में तो बदलना ही आता है अकेला, तो परिणाम में बदलना और नहीं बदलना ये दोनों आते हैं। अस्तित्व है ना, तो जो जो नहीं बदलता है उसका भी तो अस्तित्व है ना जगत में, और जो बदलता है उसका भी अस्तित्व है। ठीक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग रहा, हमें क्या दिक्कत है कि नहीं, एक ही वस्तु में बदलता हुआ नाम जो अस्तित्व है वो भी है और नहीं बदलता वो भी अस्तित्व है। ध्रुव जो है वो नहीं बदलता है और उत्पाद वह है वो बदलता है, और ये प्रत्येक द्रव्य में मौजूद है। तो ऐसा परस्पर विरुद्ध चीजें एक द्रव्य में रह सकती हैं, पर ये काम परिणाम शक्ति का है, वो परिणाम शक्ति स्वभावभूत है। माने किसी एक दूसरे की वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, किसी दूसरे के निमित्त के सहयोग से ऐसा नहीं हुआ है। जरा हम गंभीरता से विचार करें कि जो कर्तावादी लोग हैं जगत में, जैसे तो जो जगत ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं ऐसे लोगों को कर्तावादी कहते हैं, और फिर गहराई में जाते हैं तो हिंदू मुसलमान ईसाई सब कर्तावादी हैं। अपन जैनियों में को अकर्तावादी माना जाता है, हैं माना क्या जाता है, लेकिन जैसा कर्ता कर्म संबंध माने कार्य कारण संबंध इस विश्व में खोजा जाता है और सारे जगत को दिखाई देता है। अभी ये इतना तूफान आया तो अभी सब वैज्ञानिक खोज में लगा रहे हैं, तुम पर के पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ जरा ऐसा हो गया है, वहाँ की जलवायु यहाँ से वहाँ आके टकरा गई है, उधर बहुत गर्मी थी उसका ये परिणाम है। मैंने कहीं ना कहीं कारणकारी संबंध भले ही वे उसके पहले खोज निकालते तो शायद कुछ करते क्यों, लेकिन बाद में भी खोजते हैं पर पहले भी खोज निकालते हैं तो क्या कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। जैन दर्शन के संदर्भ में हम कहेंगे वहाँ तो अपना तो कर्ता कर्म है ही नहीं, अभी कर्तृत्व वाली शक्ति निकल गई है, कर्ता कर्म शक्ति कार्य कारण संबंध की शक्ति निकल गई ना, तो वो कहते हैं अपने यहाँ बस उसी चीज को लगभग उसी चीज को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। और बहुत से जैनी बड़े बड़े विद्वान, बाकी लोग तो निमित्त उपादान समझते ही नहीं हैं, वे निमित्त को ही कर्ता के रूप में देखते हैं, तो इनडायरेक्ट में दोनों एक ही हो गए ना। ये भी निमित्त कारणों पर ही पूरा ध्यान देते हैं और उनमें बदला बदली करके अफरे समझते हैं कि हमने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है? जैसे कि नेमिनाथ ने कहा था कि द्वारका जल जाएगी और द्वारका द्वापान मुनि का क्रोध निमित्त होगा, शराब निमित्त होगी। अब एक जनरल बात है आ गई दिव्य ध्वनि में, तो हमने वो उन दो ही कारणों को समझ लिया। यदि वो कार्य कारण संबंध की मीमांसा भी करें तो उसमें और हजारों कारण भी तो हो सकते हैं ना, उपादान भी हो सकता है कि वो द्वारका नगरी में जो भी परमाणु जैसे उसमें व्यवस्थित हुए थे उनकी उपादानगत योग्यता उतने ही काल तक वैसे रूप में रहने की थी, और भी हो सकते हैं ना। तो उन दो निमित्त कारण उनके गायन में आ गए तो दो के ऊपर ने ध्यान व्यवस्था कर दी, दो पर दूपायन मुनि को भगा दो, शराबबंदी लागू कर दो, बस काम हो गया। अब वो जो और कारण जितने रहे होंगे और जो निमित्त रहे होंगे
उनकी तरफ घूम के वो इनका ध्यान नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब है, जब हम विचार करते हैं तो हम जैनियों में अंदर में निमित्त के नाम पर कर्तावाद ही पूरी तरह समाया हुआ है। ये बात तो पक्की है कि कोई ऐसी एक ईश्वरीय शक्ति है कि जो इस जगत का करती है, ऐसा तो जैनी नहीं मानते। क्योंकि ये तो एक मोटी बात है क्या, लेकिन उसी टाइप का कोई दूसरा कारण खोजते हैं, तो कभी कर्म को, कभी और चीज को, कभी इसको, कभी उसको, और किसी ना किसी बहाने और उसी पर जाकर टिक जाते हैं। नेचर को, भाई नेचर ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। अब होता तो है ही ना, जो भी कार्य होता है तो उसमें स्वयं ही कारण कार्य और स्वयं ही कारण, अपना जो निमित्त उपादान का जो स्वरूप है वो बहुत अत्यंत स्पष्ट है। थोड़ी दो तीन मिनट चर्चा करूँगा जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि निमित्त उपादान का क्या स्वरूप है। अपने तीन प्रकार का उपादान माना है और दो प्रकार का निमित्त, एक अंतरंग और एक बहिरंग। दो प्रकार का निमित्त और एक त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो। ऐसे पांच भेद हैं और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि मुक्षुओं को इतना इतना थोड़ा अभ्यास है। मैं तो इतनी सरलता से समझाऊंगा कि नहीं होगा तो भी उनकी समझ में आएगा। वो अब उधर से उल्टे चलो, सबसे पहले हरेक का दिमाग बहिरंग निमित्त पर जाता है। जैसे अंतरंग निमित्त है कर्म, वो तो दिखाई नहीं देता है किसी को। कर्म का तो उल्टा हम अनुमान करते हैं कि हमें गुस्सा आया है तो क्रोध कर्म का उदय जरूर रहा होगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है क्रोध कर्म के उदय के बिना गुस्सा नहीं आता। तो हमने तो गुस्से से क्रोध कर्म का अनुमान लगाया है। यदि वो गुस्सा नहीं दिखे तो हमें क्रोध कर्म दिखा का हम अनुमान भी नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है क्या? होता ही है। एक पर्टिकुलर तीव्रता में जब जाकर के वो कर्म का उदय होता है तभी क्रोध की प्रवृत्ति देखी जाती है। यदि वो उतना मंद उदय हो तो क्रोध की में अप्रवृत्ति देखी जाती है। तो क्रोध का उदय तो वहां भी है, हमने कहाँ देख पाया क्रोध का उदय हो, देख नहीं पाया। वो तो बहुत स्थूल है कि वो मुंह से बके नहीं, चुपचाप बैठा रहे, डर के मारे हाथ पैर भी नहीं हिलाए, और मन में करता रहा तो भी हम नहीं जान पाते हैं। ऐसा समझ लो कि हम जान लेंगे, लेकिन वो मंद उदय हो तो मन में भी ना हो, उदय है। क्या प्रमाण है इसका? एक समय भी अनादिकाल से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कसाओं का उदय नहीं रहा है। एक दफे वो अभाव हो जाए तो वो अनंत काल तक के लिए हो जाता है। तो ये जो हमें दिखाई देता है कभी है और कभी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। अनादिकाल से अभी तक एक समय मिथ्यात्व तो और एक समय चार कसाय का वियोग नहीं हुआ है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तो कहाँ दिखता है, लेकिन ये बहिरंग जो चीज हमें दिखाई देती है हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसको ही कर्ता मानते हैं असली। फिर हम वहां से हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, विद्वान लोग हमको गुरु देव समझा समझा करके कि नहीं नहीं भाई, इन पे क्यों भला बुरा मानते हो, इनके ऊपर कुछ करने की कोशिश क्यों करते हो, कि तुम्हारे ही कर्म का उदय है तब उससे तुम्हें ऐसा संयोग मिला है, कि बाहर आदमी का इसमें कुछ भी योगदान नहीं। मतलब अब वो अंतरंग निमित्त का तो हमने शास्त्र से ज्ञान किया है, हमें कहाँ पता चलता है। तो असली कारण वो अंतरंग निमित्त है ना, असली कारण में नियामक, ये वो नियम से होता ही है। गुस्सा हो तो क्रोध नामक कर्म का उदय होता ही है, मिथ्यात्व नामक भाव हो तो मिथ्यात्व नामक कर्म का उदय होता ही है। ऐसा जो नियामक सामने, यानी हमें गुस्सा आए तो सामने वाला कोई गाली देने वाला होता ही है, ऐसा नहीं है। कभी प्रशंसा करने पर भी गुस्सा आता है, कभी गाली देने पर भी गुस्सा नहीं आता है। तो ये नियामक नियम कहाँ है,
निमित्त कहाँ है, नियामक। तो हमें तो वही दिखते हैं, हमारा सारा खेल उसमें ही चलता है। अब अंतरंग निमित्त पर आ गए तो फिर उससे वहां से हटाकर उपादान पर लाने के लिए कहते हैं कि देख भाई, जिसका स्वभाव गुस्सेल होता है उसे गुस्सा आता है। उदय तो बहुतों के रहता है, आठवें गुण स्थान तक रहता है, लेकिन गालियां बकते तो आठवें गुण स्थान तक नहीं दिखाई देते हैं। मैंने उदय वो निमित्त को ही छुट्टी करी, पहले बहिरंग निमित्त को फिर अंतरंग निमित्त को, है ना। कर्म का उदय तो है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो अंतरंग जिसका स्वभाव गुस्सा करने का है वो उसको गुस्सा आता है। मैंने किसी जीव को ही गुस्सा आता है, पुद्गल को तो गुस्सा नहीं आता, आकाश को तो गुस्सा नहीं आता। ये समझा करके हम त्रिकाली उपादान पर लाते हैं। तो मान लो अपने पर गुस्सा कर, आत्मा पर गुस्सा करने लगे, अरे भाई ऐसा नहीं है, आत्मा तो सिद्ध भगवान भी है, उन्हें तो गुस्सा नहीं आता है। फिर और बात नहीं करते हैं कि भाई जब तक एक ऐसा पहले प्रक्रिया संपन्न होती है, अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है, तो उसका अभाव हो के वो होगा, उसका अभाव हो के वो होगा, लेकिन एक पक्की गारंटी है। और वो गारंटी क्या है, वो गारंटी ये है कि जब गुस्सा आएगा तो उसको ही आएगा जिसका गुस्सा करने का स्वभाव होगा। इसका नाम है स्वभाव नाम का त्रिकाली उपादान। क्या स्वभाव नाम का त्रिकाली उपादान इसका नाम है। जब आएगा तो उसको ही आएगा, आएगा हमेशा 24 घंटा की बात नहीं है, वो गारंटी नहीं है। तो ये काल का नियामक है, स्वभाव का नियामक है कि जिसका ऐसा स्वभाव होगा उसको ही गुस्सा आएगा। कैसा स्वभाव, कि जिसके चारित्र मोहिनी नामक कर्म होगा है उसकी। कर्म का उदय तो हमने अलग कर दिया, जब वो होगा तो हमने उसको बोल दिया। फिर कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो आ जाए, आने का एक व्यवस्थित सिलसिला होता है। ये इतना बड़ा तूफान आ रहा है ना ये अभी, तो इस तूफान में महीनों से ये कहीं से चल रहा होगा। तुम महीनों में नहीं जाना, दिनों में जाओ, माने इसकी बराबर प्रक्रिया कहीं से चल रही है। एक क्षण पहले की पर्याय का अभाव हो रहा है, नई पर्याय आ रही है, फिर उसका अभाव हो रहा, फिर नई आ रही है, और आते आते ये आया है। ऐसा ही नहीं है कि अचानक आ जाए। तो सब क्या करें, हम तो प्रयत्न कर रहे थे, यहाँ बैठे थे और एकदम एक अचानक ही आ गया। तो देखो अचानक दिखता है, कहते जग में अचानक नाम की कोई चीज ही नहीं है, जग में अचानक कुछ नहीं। बहुत लंबा सिलसिला व्यवस्थित चला आया है। जो केवल ज्ञानी तो अपने केवल ज्ञान से साक्षात जान लेते हैं, लेकिन कोई अनुमान ज्ञान के धारक श्रुत ज्ञानी भी वो व्यवस्थित क्रम के हिसाब से वो जान लेते हैं। ये जो तूफान आता है वो हजारों मील से चल के आता है, और चल के आता है तो उनकी दिशा और रफ्तार कितनी तेजी से आ रहा है और किस दिशा में बढ़ रहा है तो वो बता देते हैं कि चेन्नई के किनारे आएगा, कहीं हैदराबाद के किनारे आएगा, हैं कि ये उधर श्रीलंका की तरफ चला गया। फिर कहते इस दिशा की तरफ जा रहा है, इतनी रफ्तार से जा रहा है, एक घंटे की रफ्तार से में 1000 मील जा रहा है, 100 मील जा रहा है, तो उतनी दूरी है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये सब बताते हैं कि नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि उसके पहले की पर्यायों का लंबा सिलसिला है कि नहीं है। हाँ बात तो सही है, क्योंकि हमारा जो खोलता है ना, हमने जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट खोल रखे हैं ये जानने के, और जानने के फिर इंतजाम करने के, हमसे कुछ नहीं बनता है तो चेतावनी नाम का इंतजाम करते हैं। अरे भग जाओ, मचल जाए, समुद्र में मत जाना, उधर नहीं जाओ, किनारे की जगह खाली कर दो, हम ऐसा इंतजाम करते हैं।
मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हमारा बस चले तो उसे रोक दें, हम उसे नहीं रोक पाए तो अपन भाग जाओ। इससे सिद्ध होता है ना कि अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला है, इसको विधि नामक विक्रिया नामक बात कहते हैं और इसको क्षण उपादान नंबर एक कहते हैं। तो देखो वो हुआ स्वभाव का नियामक, कौन? त्रिकाली उपादान। और ये हुआ विधि का नियामक, कैसे होगा? कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके 9 महीना पहले गर्भ रहेगा, फिर वो ऐसे ऐसे क्रमशः क्रमशः बढ़ेगा और बढ़कर इस तरह से वो पैदा होगा, उसका एक बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है, है ना, व्यवस्थित क्रम। तो ऐसे ही एक तो माँ में बच्चा पैदा करने की शक्ति है और दूसरे एक व्यवस्थित क्रम से। फिर कहते कब होगा, तो कहते तस समय की योग्यता, जिस समय जो काम करने की योग्यता होती तब ही होगा। एक काल का नियामक है। कहते असली कौन है? असली क्या होता? काल का असली ये है, विधि का असली वो है, स्वभाव का असली ये है, निमित्त की अनुकूलता का असली वो है, बहिरंग निमित्त की अनुकूलता का वो है। पांचों की हमने स्थिति आपको बता दी, लेकिन ऐसा भी लिखा मिल जाएगा और गुरुदेव के प्रवचन में भी मिल जाएगा, क्या असली तो तत्समय की योग्यता है नियामक, वो है तो काल की नियामक, लेकिन उसको ही ऐसा गुरुदेव के प्रवचन में भी मिलेगा, शास्त्र में भी लिखा मिलेगा, कदाचित मैंने भी कई जगह लिखा है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि सारे जगत का प्रश्न ही काल संबंधी है, उसके दिमाग में प्रश्न ही ये खड़ा होता है कि कब 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 होगा, कब होगा, कब होगा, मैं कब मरूंगा, कब तक जिंदा हूं, यही प्रश्न करता है। और भी तो बातें बहुत सी है ना, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है बोलो? कोई ज्योतिषी आ जाए तो हाथ देखें, ये देखें, कुंडली देखना, जितना भी करना है, तो बस कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा। मेरे कहने का मतलब हमें काल, काल पर इतना अधिक वजन है तो कहते उसकी नियामक तत्समय की योग्यता है कि जिस समय जो कार्य होना है वो उसके एक समय पहले नहीं होगा। कि किसके पहले? क्या तुम बता दो? तो वो कहते कि जब जो काम होना है उसके पहले, तो हम करके बता दें तो क्या होगा? बोलो बोलो नरेंद्र जी। अरे मूर्ख, तू करके बता देगा जो ऐसा बोलता है, इसमें दम नहीं है, वो उसी समय होना है, इसलिए तेरे को ऐसा विकल्प आया, फिर तूने हाथ पैर मारे और वो उसी समय होना था, वो उसी समय हुआ। तुझे कैसे पता कि ये समय नहीं होना था? तुझे पता तो है नहीं, तो तू ऐसे ही कहता है कि नहीं ये तो बाद में होना था और मैंने जल्दी ले आया। तो कहते ऐसा कभी तीन काल में होता नहीं, काल का नियामक तत्समय की योग्यता है। अब वो जो ये जो शक्तियां बता रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर में अज्ञान, तो वो ये सब बता रहे, ये सब स्वभाव है, उत्पाद वे ध्रुव होना ये स्वभाव है, ये किसी प्रयत्न से नहीं हुआ है कि वो उत्पाद और वे दोनों एक साथ, कि हाँ ऐसा होने की परिणाम नाम की एक शक्ति है। अब परिणाम माने तुम्हारे भाव नहीं है, यहाँ अपन बोलते क्या जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम नहीं है यहाँ। परिणाम माने उत्पाद और व्यय, जो ये विसदृश परिणाम हैं, ये दोनों एक साथ रहें, इनमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मा में हर एक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि ये परस्पर विरुद्ध दिखने वाली चीजें उसमें एक साथ रह सकती हैं, इसका नाम परिणाम शक्ति है। और उत्पाद व्यय ध्रुव शक्ति, उत्पाद व्यय और ध्रुव, बस ये तीनों को मिलकर उसका नाम अस्तित्व है, उसका नाम एक शक्ति है ऐसी, वो सिर्फ इतना ही बताती है।
प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य गारंटी से होता ही है, एक समय में होना चाहिए। तो कहते ऐसा कैसे होगा कि जो चीज ये अभी है और अभी ये ही नहीं है, अगले समय नहीं होगी, ये तो ठीक है कि पहले समय नहीं थी, ये भी ठीक है। तो ये तो अनेक समय में लगी ना, तो एक समय में उत्पाद और व्यय दोनों कहाँ लगे। कहते भैया किसी का उत्पाद और किसी का व्यय, तो ये दोनों उत्पाद व्यय तो एक साथ ही लगे। वो तो तेरे को समझाने के लिए अपेक्षा हमें बतानी पड़ी कि पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद। मैंने इसी पॉइंट को एक दिन समझाया था ना, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो एक पर्टिकुलर पर्याय है, अब इसका हमें अस्तित्व सिद्ध करना है। तो ये कहते हैं कि ये एक समय पहले तक नहीं थी और एक समय बाद नहीं रहेगी, ये दो बात नक्की है, तब तो ये एक समय की पर्याय कहलाएगी, तब ये एक समय का कार्य कहलाएगा ना। यदि वो पहले भी मौजूद है तो एक समय का कैसे कहलाएगा, और भविष्य में भी रहेगा तो एक समय का कैसा कहलाएगा। तो कितना सीधा बढ़िया शब्द उनने चुना था, प्राग अभाव। माने ये पर्याय जो अभी है इसका पहले अभाव था। कि पहले माने कब, कि एक समय पहले, हाँ एक समय पहले, दो समय पहले, अनंत समय पहले, अजय लेके अनादि काल से अब तक इस पर्याय का अभाव था ना। नहीं वो तो उसके पहले तो दूसरी पर्याय का अभाव था, दूसरी वो एक सिलसिला अलग है। अभी तो हमें एक पॉइंट को सिद्ध करना है, अनादिकाल की जो अनंत भूतकालीन पर्याय हैं उस काल में, इतना जो लंबा काल है उसमें ये पर्याय पहले आज से कभी नहीं थी। जैसे प्राग अभाव, इसका पहले अभाव था। अब कहते प्रध्वंस अभाव, ये क्या है, प्रध्वंस माने नाश। अभी जो पर्याय है तो ये तो पर्याय है ना, इसका नाश तो नहीं है ना, कि हाँ नाश नहीं है। तो प्रध्वंस माने होता है नाश, तो प्रध्वंसा भाव माने नाश का अभाव है। अब अनंत काल तक इसमें अभी इसका जो नाश अगले समय होगा, और जो नाश अनंत काल तक रहेगा ना नाश, वो नाश अभी इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये है, अनादि से नहीं थी और अनंत काल तक इसका जो नाश होगा वो अभी नहीं है। प्रध्वंस का अभाव है तो है, और प्रध्वंस का अभाव है इससे अस्तित्व सिद्ध हो गया। अब अनंत पर्याय तो क्यों, कि हर समय एक एक पर्याय बैठी है, जो उस समय में है और उसका प्राग भाव और प्रध्वंस अभाव है। तो उन्होंने तो एक जगह पर्टिकुलर जगह उसको बांधा है ना।